मुख्यमंत्री कह रहे हैं 8 से 8 महीने तक मैंने विधायक के जाने के बाद में विकास का काम कोई रुका नहीं, लगातार काम हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये तो वोट काटने की एक राजनीति कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, कोई अस्तित्व नहीं दिखाई नजर आता। बीजेपी को तो अस्तित्व तो मेरा ही दिखाई दे रहा है हर जगह, इसलिए वो मेरा कह रहे हैं। जब उनको वोट दिलाए तब तो नहीं कहा हनुमान बेनीवाल की वजह से 25 सीट आई, कही तो नहीं बीजेपी ने, ये नहीं कही उन्होंने। और मैं तो लोकसभा के अंदर कहा था कि बीजेपी को अगर इतना ही ज़्यादा वो है तो 2, 4, 6 MP इनके इस्तीफे दे दे, मैं भी दे देता हूँ, वापिस चुनाव करा लेते हैं। अगर हम जीत गए तो आप हम जिद मत करना, और अगर मैं हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो सदन के अंदर आप मेरा बयान देखो ना, कोई कुछ इनको दोनों पार्टियों को तकलीफ यही है कि ये नई सोच और नए संघर्ष के साथ क्यों आया। ईमानदार है, लोग इसके साथ हैं, लाखों लोग साथ हैं, ये मतलब बर्दाश्त नहीं रहता हूँ। अब बीजेपी कोई आंदोलन थोड़ी खड़ा कर पा रही 3 साल में सिवाय बयान के। और अच्छा कोरोना में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट तो फेल हुई हुई, दिल्ली की सरकार भी फेल हुई, लाखों लोग कोरोना के अंदर, जवान चले गए, पत्रकार चले गए, नेता चले गए, डॉक्टर चले गए, इंजीनियर चले गए, वकील चले गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार, मैं हूँ क्या जिम्मेदार, या तो गहलोत जिम्मेदार है या दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। आरोप प्रत्यारोप, पैसे कमाना, उद्योग धंधे लगाना। दूसरी बात यह कि जो राजस्थान में जो समीकरण बन रहे हैं जो वर्तमान में, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए बहुत अच्छे समीकरण बन रहे हैं, 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़ा दल होगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान मेवाड़ के साथ और भागों में बंटा है, मारवाड़ अलग, भूभाग है, बीकानेर संभाग का अलग है, सेकावाटी अलग है, भरतपुर अलग है, कोटा संभाग अलग है। तो तमाम संभागों के अंदर आप राजनीतिक रूप से अगर नज़र दौड़ाएंगे ना तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ रही है। पहले बसपा 6 सीट जीती थी, वो भी कांग्रेस में विलय हो गया, आज भी विधानसभा में हम तीसरी पार्टी हैं, 3 विधायक हमारे पास ही है, किसी के 2 हैं तो किसी के 1 है, तो तीसरा दल विधानसभा में भी RLP है। और लोकसभा में भी अगर आम आदमी गरीब आदमी कोई बात करता है तो हनुमान बेनीवाल करता है। अगर मैं प्रधानमंत्री के साथ था तभी मैंने ये कहा था कि महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटे, क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हो रहा है, तो फिर यहाँ पेट्रोल डीजल पे क्यों आप सेस लगा के मार रहे हो लोगों को। ये आप सब मुद्दे बता रहे हो, इसके बाद क्या जो मुकाबला आपका किससे है, कांग्रेस से, भाजपा से या अन्य संगठन से, दोनों से कहाँ पे, यहाँ पे वल्लभ नगर में? बल्लभ नगर में तो मुकाबला है ही नहीं, बल्लभ नगर में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे निकल गई, यहाँ किसान तो वोट डालेंगे डालेंगे, यहाँ तमाम लोग मेलों से राजनीति को बाहर निकालना चाहते हैं और मेलों से गांव गरीब किसान की झोंपड़ी में राजनीति लाना चाहते हैं। सभी नेता 2023 की बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ के आए, पुराना गुटबाजी आपने देखी है, तो ये जो मेवाड़ से जो आप संदेश दे रहे हैं पूरे प्रदेश को, क्या ये आप पहुंचा पा रहे हैं? देखिए पायलट और गहलोत कहाँ एकजुट हुए, पायलट को गाड़ी में सीट नहीं थी, 4 जनों की थी, 2 पीछे बैठ गए, गहलोत आगे बैठ गए, उन्होंने तो ड्राइवर को मजबूरी में उतार के अपनी इज्जत बचाई वहाँ पर, नहीं तो दूसरी गाड़ी में आना पड़ता हूँ। ये चला के किया उनके साथ कि भाई हेलीकॉप्टर तक तो ले आए और फिर वहाँ भी ये संदेश दें, देखो गाड़ी में जगह नहीं दी, देखो गाड़ी चलाते हुए आए, ये तो अपमान था सचिन पायलट का, उनको नहीं रहना चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर। बार बार अपमान कराने से क्या मतलब, आदमी को जीवन जो मिलता है, आज मैंने पार्टी बनाई स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, अकेला मेरा जैसा पब्लिक का मन देखता हूँ वैसा ही कर लेता हूँ, मुझे को दिल्ली चर्चा थोड़ी करनी पड़ती किसी से। सचिन पायलट किस तरह परेशान है, 3 साल हो गई, हमने तो उस समय उनका साथ पहले भी दिया था 18 के अंदर, 3 विधायक मैंने सपोर्ट के लिए दिए, जब सरकार गिर रही थी तो मैं बीजेपी के पाड़े में ही खड़ा था कि भाई मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ। लेकिन पायलट जिस तरह बार बार जलील हो रहे हैं, उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए अगर उनके अंदर मान और सम्मान स्वाभिमान है। तो ये आप RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल को सुना, उन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, उनका कहना है कि आने वाले प्रदेश की सियासत में RLP दमखम के साथ प्रदेश की सरकार बनाएगी, अब देखना होगा कि वल्लभ नगर के उपचुनाव से वो क्या संदेश दे पाते हैं, कितना अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ETV भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।